सेगांव स्थानीय कृषि उपज मंडी के मेन गेट पर मंडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यह धरना 3 सितंबर से जारी है। मंडी के लेखापाल RH मेहता ने बताया कि हम सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं हमारे वेतन भत्ते सुनिश्चित किए जावे, मंडियों के निजीकरण पर रोक लगे और हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जावे। इस मौके पर धरने पर मंडी सचिव RC वास्के, मनोहर भावसार, रंदा मेहता भी मौजूद थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हमारी मांगे है वेतन भत्तों संबंधी, शासन हमारा मतलब जो है वेतन भत्ते दे और जो मंडियों का निजीकरण करा है, निजीकरण के विरोध में है, मॉडल एक्ट लागू किया है अभी। आप क्या चाहते हैं उसमें? हम ये चाहते हैं कि हमारे वेतन भत्ते सुनिश्चित हो, हमारा वेतन भत्ते राज्य शासन के कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारी मेन मांग तो यही है, क्योंकि जो है मंडी प्रांगण में मंडी टैक्स है और मंडी के बाहर मंडी टैक्स समाप्त कर दिया राज्य शासन ने, जिससे क्या हमारे जो तनख्वाहों के और वेतन भत्तों की परेशानियां उत्पन्न हो गई है और मंडी में कोई आय नहीं हो रही है। क्या नाम लिखते हैं आप? HR मेहता। कौन से पद पे आप? प्रभारी लेखापाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।